हेलो एवरीवन हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हैं सब लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे बच्चे लोग गुड इवनिंग पाठक जी गुड इवनिंग कौन कौन आ चुके हैं देखें गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कौन कौन आ चुके हैं देखें, देखें जल्दी से पाठक जी आ गए दिव्या अच्छा दविंदर सिंह हेलो गुड इवनिंग सत्यम सोलांकी रोहित राजपूत कैसे हैं सब लोग बेटा लेट नो इन द चैट क्या आप सब लोग मेरे को देख पा रहे हो सुन पा रहे हो क्या आप लोग देख पा रहे हो सुन पा रहे हो मैं भी बढ़िया हूँ बेटा देविंदर मैं भी बिल्कुल बढ़िया आप लोग बताओ कैसे हो नितिका नेगी गुड इवनिंग सत्यम नामदेव जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से कि नौ बज चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिमाचल प्रदेश के कॉलेज है ना तो हम लोग डिस्कस करेंगे और कल के जो कल जो लोग जो लोग लो नए जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कल का जो गिव अवे था उसके विजेता है हमारे सत्य मिश्रा जी संस्कृति बिल्कुल तो कल जो जीते हैं वो हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी उनकी क्लासेस भी शुरू होने वाली है बहुत जल्दी सचिन कुमार हेलो सर आई लव यू लव यू टू बच्चे लव यू टू अभिषेक पाठक ओके ओके चलिए तो हेलो एवरी वन दिस इज उज्वल पीयूष योर की टीचर एट वेदांतु और हम लोग हर फ्राइडे सैटरडे और संडे जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉलेज के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अपने फेवरेट कॉलेज को सामने देख पाओ और उसमें जाने के लिए कितने मार्क्स जरूरी हैं ये आपको पता चलता रहे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मा... क्या पता चलता रहे बच्चे आपको पता चलता रहे कि कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है उस कॉलेज में जाने के लिए ताकि ताकि इससे मोटिवेट होकर के या फिर जब नंबर सामने दिखेगा आपको तो आप उससे मोटिवेट होकर के क्या करें आप उतनी मेहनत करें एंड आई होप कि आप सब लोग वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं है कि नहीं एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि यस सर वी आर रेडी टू डू दैट हार्ड वर्क टू गेट इन टू आर ड्रीम कॉलेज एंड वी एट विदान प्रॉमिस यू ऑल कि वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन हम लोग यहाँ पर आपको आपके हर सिचुएशन में हेल्प करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल फर्मली स्ट्रांगली यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और तभी आप देखो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये डेडिकेशन आप लोगों को भी सीखना चाहिए डेडिकेशन आप लोगों के अंदर भी आना चाहिए मैंने भी सीखा यहां से तो मेरे अंदर भी ये डेवलप हो रहा है क्या कि आप आज संडे है फ्राइडे हर वीकेंड पे मिलता हूं रात को नौ बजे ऑब्वियस बात है प्लान्स हो सकते हैं है कि नहीं फिर भी कि दिन भर क्लासेस होती हैं रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो दिन में ये समय नहीं निकाल सकता हूं मैं आपके लिए तो फ्राइडे सैटरडे संडे मैं आपके सामने आता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ घर बैठे आपको सब कुछ मिलता रहे कि आप कॉलेज देखो उसके मार्क्स देखो और उससे आप तैयारी शुरू कर दो बस है कि नहीं तो ये हमने भी सीखा है यहां पर और वही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखो वो वो डेडिकेशन मेहनत क्योंकि देखो जो जिस कॉलेज की आप तैयारी कर रहे हो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो वो इतना आसान नहीं है उसके लिए आपको जान लगाना पड़ेगा उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा है ना मेरा इंस्टा का रिप्लाई दे दो प्लीज मैंने कोर्स ज्वाइन किया है कल का

एक बार इन द चैट सेक्शन एनी वन इन द हाउस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश क्योंकि देखो हर रोज हम लोग जो वीडियो कर रहे हैं ऑब्वियसली बात है सब लोग अलग अलग स्टेट से हैं पर हम लोग ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से करते हैं ताकि आप वहां भी अगर जाना चाहते हो बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है आपके जो दो मैम हैं यहाँ पर जो आप लोग जानते हैं मीनाक्षी मैम वो भी इसी प्रदेश से हैं और अंबिका मैम वो भी आपके इसी प्रदेश से हैं है, है कि नहीं दोनों मैम जो है आपके वो इसी प्रदेश से हैं है ना तो ये ये प्रदेश काफ़ी अच्छा है हालांकि सारे प्रदेश अच्छे होते हैं लेकिन यहाँ पे आप समझ रहे हो ना वादियाँ हैं यहाँ पर स्नोफॉल है पहाड़ हैं है ना मैं भी कभी कभी जब हम लोग यहाँ चंडीगढ़ से नज़दीक है बहुत नज़दीक है तो कभी कभी मेरा भी मन जब नहीं लगता है ऐसी फीलिंग आती है यार कि बहुत काम हो गया थोड़ा सा रेस्ट चाहिए हालाँकि बिल्कुल मौका नहीं मिलता है ऐसे रेस्ट का अभी मौक़ा मिला था फ़र्स्ट फर्स्ट को तभी गया था तो मैं निकल जाता हूँ फटाफट है कि नहीं मैं निकल जाता हूँ अपना ड्राइव किया पहुँच गए थोड़ा सुकून मिलता है शांति मिलती है और फिर वापस आ जाते हैं फिर काम करना पड़ता है फिर जो जान लगाना पड़ता है जोश जुनून ये करना पड़ता है है ना तो वी ऑल आर हियर और ये जरूरी भी है ब्रेक लेना भी ज़रूरी है तो मैंने हमेशा ये कहा है आप लोगों से कि हमेशा अपने मेहनत पर भरोसा करो वर्क हार्ड ताकि जो आपने देखा है वो आप पूरा कर पाओ नेहा कह रही है भैया मैं न्यू हूँ यहाँ कोई बात नहीं बेटा वी वेलकम यू ऑल और बिल्कुल नया पुराना कोई भी नहीं है जो है वी ऑल आर फैमिली हम लोग यहाँ मिलकर के मेहनत करेंगे तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए स्लाइड हर बार की तरह कार्तिका मैम ने बनाया है थैंक यू सो मच मैम एंड बच्चे हम लोग यूट्यूब पर जान लगा ही रहे हैं पर वे प्लेटफॉर्म पे भी टर्म टू अगर आप सीबीएसई टर्म टू दे रहे हैं इस बार तो उसका क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है टू की क्रैश कोर्स शुरू हो चुके जहाँ पे physics, chemistry, biology और maths का पूरा syllabus आपको कराया जाएगा In classes और वहां पे डाउट्स क्लास के अंदर भी ले सकते हो क्लास के बाद भी आप, आप पे डाउट ले सकते हो एंड जो इसकी फी है दैट इज सेवन थाउजेंड रुपीज लेकिन अगर आप छुटकुसा कोड यूज करते हो अपने भैया का यूपी प्रो तो बच्चे इसमें आपको यह मिल जाता है सिक्सटी थ्री हंड्रेड रुपीज में। प्राइस आपका सेवन थाउजेंड था लेकिन अगर आप इसको छुटकुसा कोड यूज करते हो अपने भैया का यूपी प्रो तो यूल गेट दिस एट तो अगर आप क्रैश कोर्स सीबीएसई का लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूपी प्रो कोड यूज करना है लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ्रॉम द वेरी बेसिक कराया जाए फ्रॉम द वेरी बेसिक मतलब आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप चाहते हैं कि क्या मैं अभी से तैयारी करके कर सकता हूं बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि रिजल्ट बोलता है मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको कि क्रैश कोर्स से हम लोगों ने हम तो सोचते हैं कॉलेज मिल जाए मैं आपको कहता हूं कि ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया हंड्रेड ऑल इंडिया वन फिफ्टी के अंदर भी आप लोग आ सकते हो क्योंकि यह है ये हुआ हुआ, हुआ है तो इलेवेंथ पूरा ट्वेल्थ पूरा फ्रॉम द वेरी बेसिक कराया जाएगा लाइव सेशंस के अंदर अगर आप पूरा तैयारी भी है आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज देना अलोंग विद रिवीजन तो बेटा ट्वेंटी टेस्ट है इसमें आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे दस पंद्रह टेस्ट मिलेंगे यहां पे क्लासेस भी हैं प्लस टेस्ट सीरीज है समझ लो क्लासेस भी हैं और टेस्ट सीरीज भी है यानी ट्वेंटी टेस्ट है टेन फुल सिलेबस टेस्ट टेन पार्ट्स टेस्ट और मैं जैसा कि अभी कह रहा था रिजल्ट के बारे में आप देखो जरा रिजल्ट देखो ऑनलाइन क्रैश कोर्स ऑल इंडिया रैंक नाइनटी टू ऑनलाइन क्रैश कोर्स शिवांग की बात करें ऑल इंडिया रैंक 143 अनिरुद्ध की बात करो ऑल इंडिया रैंक 92 पवित ऑल इंडिया रैंक 23 बट शी वाज फ्रॉम लॉन्ग टर्म कोर्स है ना जो पूरा पूरे साल के कोर्स में पर क्रैश कोर्स से आप देखो आपके पास रिजल्ट है तो आपको अगर इसको ज्वाइन करना आपको लगता है कि यार मेरी तैयारी नहीं है और हम लोग ये विश्वास दिलाता हूं यूपी भैया यहां पर है आपके साथ जो आप कहते हो कि नहीं सर आप खड़े रहो आप मेहनत करो हम लोग तैयार हैं मेहनत करने के लिए तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गेवेन है बेटा वहां जाओ क्लिक करो अपने छोटू से भैया का कोड यूज़ करो यू और ये आपको सिर्फ और सिर्फ नाइन थाउजेंड में मिल जाएगा नाइन थाउजेंड रुपीज में आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो इसका दो चीजें हैं कि आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो वन थ्री जीरो फाइव नाइन थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ एक बार आप जुड़ जाओगे तो समझ लो कि आप पीछा छूट जाए ऐसा नहीं होगा या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को आ, पकड़ सकते हो ये आई है इंस्टाग्राम की आई ये मेल आई है तो आपको कोई भी कोई भी चीज पूछनी है बहुत सारे बच्चे पूछते भी मेरे से तो जो भी चीज पूछने क्रैश कोर्स से रिलेटेड आप यहां पर मैसेज कर सकते हो एंड डेफिनेटली मेक श्योर की एक नहीं तो दो दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा तो बैच बेटा अब कल से शुरू होने वाला ये पुराना बैच है कल से नया बैच शुरू हो रहा है ट्वेंटी से है ना ट्वेंटी से नया बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम द वेरी बेसिक इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ अपन करेंगे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एंड वी ऑल आर हियर कि आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें उसका डिस्कशन अपन भी करेंगे जैसे मैं हो गया सचिन सर हो गया अंबिका मैम हो गई मीनाक्षी मैम हो गई हर मंडे या ट्यूसडे को अपन हम लोग मिलेंगे ताकि आप अपनी सारी दिक्कतें या सारा जो भी एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर कर सके ठीक है चलिए फिर तो आर यू ऑल रेडी अपने प्यारे से सीरीज को शुरू करने के लिए जिसमें हम लोग अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में जानते हैं इन फुल डिटेल एक बार लेट मी नो इन द चैट सेक्शन क्या बच्चे लोग रेडी हैं जल्दी से एक बार जोश हाई रखना है बेटा जल्दी से इन द चैट सेक्शन आर यू फॉर 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 सेशन यस जल्दी से हां जी रोहित जी प्राइवेट कॉलेजेस की भी सीरीज आएगी और आपको एक सरप्राइज दे देता हूं कि इस वीक में बच्चे मैं पूरा एम्स इंडिया के पूरे एम्स को मैं कवर करने वाला हूं इंडिया के पूरे एम्स को मैं कवर करने वाला हूं इस वीक में एक वीडियो आ जाएगा उनके कट ऑफ के साथ साथ उनके मार्क्स के बेसिस पर सारे एम्स जो इंडिया में हैं एम्स कॉलेजेस उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीक ओनली ठीक है तो आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना पढ़ाई से रिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड कट ऑफ से रिलेटेड मार्क्स से रिलेटेड रैंक से रिलेटेड वो सारी मेहनत आप हम लोग पे छोड़ दो हम लोग हैं यहां पर हम लोग वो आपके सामने ला करके रख देंगे आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं आप बस चैनल से जुड़े रहो आप बस फॉलो करते रहो ठीक है चलिए तो आइए आज जो है बिल्कुल बच्चे हिमाचल प्रदेश कवर करने वाले हैं आज हमारा सेशन है जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें हम लोगों ने दिल्ली कवर कर लिया है हम लोगों ने बिहार का कवर कर लिया है हम लोगों ने यूपी कवर कर लिया है हम लोगों ने हरियाणा कवर कर लिया हम लोगों ने कल पंजाब कवर किया और आज हम लोग हिमाचल प्रदेश कवर करने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया बात है यही प्यार है आप लोगों का बस और क्या है थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट इसी की वजह से हम लोग हैं और है ना तो आइए बच्चे जो सिक्स नंबर पे कॉलेज है हम लोग सेशन को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं आप मकसद समझिए इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्क्स एंड कट ऑफ माइ डियर स्टूडेंट इट्स नॉट नेवर ये इसका कोई मकसद नहीं था सिर्फ मार्क्स और कट ऑफ के लिए इसका सिर्फ एक ही मकसद था बच्चे कि मैं आपको आपके कॉलेजेस से रूबरू करा सकूं ताकि आप जब मार्क्स देखो कि यार इतने मार्क्स पे सिलेक्शन होता है उसके लिए आप मेहनत करो उसके लिए आप जान लगाओ दैट वॉज द मेन मकसद तो नंबर छ पे जो कॉलेज है दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिस इज योर पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ये कहां स्टैब्लिश है स्टेब्लिश है बच्चे चंबा ये कहा लोकेटेड है लोकेटेड है बेटा चंबा हिमाचल प्रदेश में और शुरू हुआ था ये 2016 में शुरू कब हुआ था बेटा 2016 में ये शुरू हुआ था 2016 में चंबा हिमाचल प्रदेश चंबा हिमाचल प्रदेश 2016 में स्टैब्लिश हुआ था और है कहाँ पर चंबा चंबा हिमाचल प्रदेश में तो नया कॉलेज है ज्यादा पुराना भी नहीं है एंड अगर सीट्स की बात करें तो इट इज वन नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जो है इसमें वो है बेटा 120 कितने एमबीबीएस सीट्स हैं 120 एमबीबीएस सीट्स हैं और अगर फी की बात करूं तो 3.3 लाख है इसका फी स्ट्रक्चर फॉर एंटायर एमबीबीएस का कोर्स फी स्ट्रक्चर कितना है 3.3 लाख फॉर एंटायर एमबीबीएस कोर्स सीट है 120 फी है 3.3 लाख फॉर एंटायर एमबीबीएस कोर्स अब मैं फिर से आपको ये हर बार दिखाता हूं फिर से आपको दिखा देता हूं कि यू आर मीन अनव जनरल एस सी मीन शेड्यूल्ड कास्ट एस टी इज शेड्यूल ट्राइब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास पीडब्ल्यू डी इज फिजिकली हैंडीकैप्ड एस जी सी इज सिंगल गर्ल चाइल्ड ई एस इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो अगर आप ध्यान से देखें तो जनरल कैटेगरी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लास फिजिकली फिजिकलीपिंगल सिंगल सिंगल गर्ल चाइल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसके बेसिस पर हम अब देखेंगे कॉलेज के मार्क्स तो जरा सब लोग ध्यान से देखिए ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से हम बात करें तो जनरल कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यह कॉलेज मिला था बच्चे 600 मार्क्स पर कितने मार्क्स पर मिला था जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो यह कॉलेज मिला था बच्चे 600 मार्क्स पे एस एससी कैटेगरी में ये कॉलेज मिला था 491 पर 491 और एस कैटेगरी की अगर बात करूं तो ये कॉलेज आपको में था 459 में तो जनरल कैटेगरी एस एससी फोर एसटी 459 तो जनरल आप देख लो फिर से 600 सौ नंबर फोर और 459 पर आपको ये मिला था ये कॉलेज और अगर मैं बेटा स्टेट कोटा की बात कर लूं जो लोग हिमाचल प्रदेश से हैं और स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दीजिए जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड आपको मिला 518 पर सेकेंड राउंड में ये क्लोज हुआ 505 पर यानी पांच फर्स्ट राउंड जनरल कैटेगरी में स्टेट कोटा के हिसाब से 518 पर मिल गया था और सेकेंड राउंड 505 पर मिला था मॉपअप में कोई सीट अवेलेबल नहीं था मॉपअप में कहीं पे भी कोई सीट अवेलेबल नहीं था एससी कैटेगरी की बात करूं तो बेटा अगर आप स्टेट कोटा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो अगर बात करूं, तो 463, 460 पे मिला था और ओबीसी कैटेगरी में ये मिला था 516 जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है आप देख पा रहे हो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में टू मार्क्स का डिफरेंस है बस हाँ, बिल्कुल तो ये स्टेट कोटा अभिषेक पाठक ये स्टेट कोटा है ये स्टेट कोटा अगर आप इसी स्टेट से बिलोंग करते हो तब जनरल का इसका ऑल इंडिया कोटा तो 600 है ऑल इंडिया कोटा से अगर देखो तो दैट वाज 600 अगर आप हिमाचल स्टेट से बिलोंग करते हो तब पांच या पांच पर आपको मिल जाएगा एससी कैटेगरी 460 या 458 सेकंड राउंड एसटी 463 सेकंड सिक्सटी थ्री सेकेंड राउंड फोर सिक्सटी थ्री सेकंड राउंड फोर ओबीसी 516 सेकंड राउंड 504 ूडी में कन्वर्ट नहीं था कोई भी कैंडिडेट नहीं था तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें जनरल में कन्वर्ट हो गया और एस से सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर है तो 497 पे कॉलेज मिल गया था और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 462 और सेकेंड राउंड 457 यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करें तो 457 पर आपको ये कॉलेज मिल गया था हाँ इसमें हाँ स्टेट कोटा के लिए ऑब्वियसली बात है उसी स्टेट से तभी हम ये ये नंबर पे आपको ये मिल जाएगा तो ये जो कॉलेज है ये है आपका चंबा में जो कॉलेज सिचुएटेड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसका ये आपका मार्क्स था आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दूसरे अगले बात करें अब हम नंबर फाइव पे जो कॉलेज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बच्चे डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेकंड नंबर पे जो कॉलेज है दैट इज डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ये कहां पे सिचुएटेड है ये कहां पे सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है आपका हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में तो पहले देख लेते स्टैब्लिश कब हुआ था अगेन रीसेंट कॉलेज है बेटा 200 uh, 2018 में ये स्टैब्लिश हुआ था कब स्टैब्लिश हुआ था 2018 में और अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं लोकेशन की बात करूं तो एग्रीकल्चर कॉलोनी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है बिल्कुल शुभम जी दूसरे स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एग्रीकल्चर कॉलोनी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है नंबर 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 ऑफ 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 सीट्स 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 की बात करूं तो अगेन 120 है 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 इसमें कोई चेंज नहीं एमबीबीएस जो दैट इज 120 और अगर फी की बात करूं तो इसका भी सेम है जो चंबा में मेडिकल कॉलेज है उसके जैसा ही फी है दैट इज 3.3 लाख फॉर एंटायर एमबीबीएस का कोर्स तो सीट कितना है सीट 120 है और अगर मैं फी की बात करूं तो इट इज थ्री पॉइंट थ्री लाख रुपीज आ जाइए फिर से ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बात कर लें देख लीजिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा के तहत आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के, के लिए आपको नंबर लाने होंगे छह जनरल कैटेगरी के, के लिए आपको नंबर लाने हैं 601 सौ एक सिक्स जीरो वन ंग टू एस सी कैटेगरी आपको नंबर चाहिए 493, और अगर आप एस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको नंबर चाहिए 468. 601, 493, 468. कितना छ सौ एक एस सी फोर नाइनटी थ्री एस टी फोर सिक्सटी एट तो आप जनरल में देख रहे हो ना छो एक नंबर आपको चाहिए ऑल इंडिया कोटा से हम बात कर लेते हैं स्टेट कोटा के हिसाब से अगर मैं स्टेट कोटा के हिसाब से बात करूं तो फर्स्ट राउंड जनरल कैटेगरी में जो मार्क्स जिस मार्क्स पर एडमिशन हुआ था दैट इज ये कॉलेज मिला था 518 पर अगेन इसमें मॉपअप राउंड तक कोई भी सीट नहीं मिला था मॉपअप राउंड में कोई भी सीट आपको नहीं मिला था एससी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड की बात करें तो फोर है सेकेंड राउंड की बात करें तो इट इज फोर फर्स्ट राउंड 471 पे मिल गया था और सेकेंड राउंड 468 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल गया था एस कैटेगरी की बात करें तो बेटा 470 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में और फोर राउंड में 463 पर गौरव सिंग सर ये कॉलेज फाइव मिनट की ड्राइव पर है मेरे घर से हेलो सर आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश क्या बात है रागिनी गौरव बहुत बढ़िया बच्चे तो ये कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये स्कोर करना पड़ेगा तभी जाकर के आपको यह कॉलेज मिलेगा ओबीसी कैटेगरी में बच्चे कॉलेज मिला था 521 पर और सेकेंड राउंड बंद हुआ था 516 मार्क्स पर इसमें पीडब्ल्यूडी में कोई कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए इसको जनरल कैटेगरी में इन सीट्स को जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया था एस सिंगल गर्ल चाइल्ड में बच्चे कॉलेज मिला था 504 पर सेकंड राउंड तक ये काउंसलिंग गई नहीं थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 470 पे कॉलेज मिल गया था फर्स्ट राउंड पे और 465 पे मार्क्स पे सिक्स राउंड क्लोज हुआ था तो आप समझ रहे रहे हैं हैं ये बात कर रहे हैं, हम लोग जो हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है उसकी बात कर रहे हैं कहां पर जो हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है हम उसकी बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए आपको पांच सौ अट्ठारह एससी कैटेगरी फोर सिक्सटी एट में सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूं एस टी कैटेगरी फोर सिक्सटी थ्री ओबीसी फाइव हंड्रेड सिक्सटीन डब्ल्यू में कोई कैंडिडेट नहीं था तो इसलिए सीट को कन्वर्ट कर दिया गया था जनरल कैटेगरी के, के लिए ओपन कर दिया गया था सिंगल गर्ल चाइल्ड में फाइव जीरो फोर पर मिला था और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव पर यह कॉलेज मिल गया था कौन सा हमीरपुर चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर चार पे जो कॉलेज है नंबर चार पे जो कॉलेज है दैट इज योर डॉक्टर वाई एस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नंबर पे जो कॉलेज है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परमार गवर्नमेंट मेडिकल हिमाचल प्रदेश के जो ये हम लोग कर रहे है, है कहां पर सुंदरबाग कॉलोनी नाहन हिमाचल प्रदेश कहां पर है बच्चे ये सुंदर कॉलोनी नाहन हिमाचल प्रदेश में है सुंदर कॉलोनी नाहन हिमाचल प्रदेश में है और अगर मैं इसमें एमबीबीएस सीट्स की बात करूं तो इट इज वन कितने एमबीबीएस बी बी सीट से अगेन एमबीबीएस सीट्स इसमें वन ट्वेंटी है और फी की बात करूं तो कॉमन ही है चाहे हम लोगों ने बेटा चंबा मेडिकल कॉलेज का देखा चाहे हम लोगों ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का देखा चाहे हम नाहन में जो मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इसके बारे में बात करें जब फी इज थ्री पॉइंट थ्री लैख सबका कॉमन फी है तो ऑल इंडिया कोटा से बेटा अगर आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन में तो मार्क्स चाहिए छह सौ तीन अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको मार्क्स आप तो तो हम लोग बात कर रहे हैं नाहन में जो मेडिकल एससी कैटेगरी में आपको 497 और एसटी कैटेगरी में 469 पर यह कॉलेज मिल गया था लेट्स टॉक अबाउट स्टेट कोटा अगर हम स्टेट कोटा की बात करें तो आप जरा देखिए जनरल कैटेगरी राउंड फर्स्ट थर्टी फाइव सेकेंड राउंड फाइव पर मिल गया था एस कैटेगरी की बात करें फर्स्ट राउंड 479, सेकेंड राउंड फोर नंबर एसटी कैटेगरी 477 सेवेंटी सेकेंड राउंड मतलब फाइनल राउंड जब तक कॉलेज मिला था बेटा दो राउंड में होता है कभी कभी मॉपअप तक भी जाता है तो 470 पर मिला था सेकेंड राउंड में उंड फाइव 529 और सेकेंड राउंड 513 पर मिला था एडमिशन सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड तो तो और फोर नाइन सिक्स पर सेकेंड राउंड मिल गया था एंड अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करूं तो फोर नाइन टू पे फर्स्ट राउंड और फोर सेवेंटी वन पर से मिला था समझ रहे हो मेरी बात को और इसमें मॉपअप में किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं था तो अगर आप नाहन में वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में अगर जाना चाहते हैं तो अगर इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी 522 चाहिए अगर मैं बात करता हूं एस सी फोर सिक्सटी कैटेगरी 470 सेवेंटी ओबीसी फाइव फिजिकली हैंडीकैप 287 सिंगल गर्ल चाइल्ड 496 एंड ईडब्ल्यू 471 मार्क्स चाहिए हमको समझ आती है बात तो ये आपको स्कोर चाहिए कंपैरेटिवली हरियाणा और पंजाब से थोड़ा कम है है ना चलिए नेक्स्ट अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूं तो बच्चे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थर्ड कॉलेज के डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग दिस इज योर श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री बात कर ले तो अगेन ये स्टैब्लिश हुआ है टू में कब स्टैब्लिश हुआ है बेटा 2017 में और है कहां पर ये नेर चौक मंडी हिमाचल प्रदेश कहां पर है बेटा नेर चौक मंडी हिमाचल प्रदेश में मंडी में ये सिचुएटेड है अगर मैं सीट्स की बात करूं नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की तो 120 है नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कितने 120 है और फी थोड़ा सा ज्यादा है अदर से वहां बाकी सारे का 3.3 लाख था यहां पे 3. 57 लाख है कितना है 3.57 लाख है फी स्ट्रक्चर बच्चे बात कर लेते हैं कितने मार्क्स पे कॉलेज मिला था ऑल इंडिया कोटा हम लोग बात कर रहे हैं मंडी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वी आर टॉकिंग अबाउट जो कॉलेज uh, मंडी में है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो आप देखें जनरल कैटेगरी सिक्स जीरो सिक्स कैटेगरी को मिला 507 ऑल इंडिया कोटा और एसटी कैटेगरी 465 पर आपको ये कॉलेज मिल गया था लेकिन अगर मैं स्टेट कोटा की बात करूं तो आप समझिए यहां पर पहले तो मॉपअप राउंड तक कोई भी सीट नहीं गया था इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो आपको फर्स्ट राउंड में यह कॉलेज 559 मार्क्स पर मिल गया था सेकेंड राउंड में आपको 549 पर मिला था यह कॉलेज एस सी कैटेगरी फोर नाइनटी राउंड फोर में आपको यह कॉलेज मिला था एस कैटेगरी फाइव और ये आपको देखो 482 पर सेकंड राउंड ओबीसी 551 फिफ्टी वन सेकेंड राउंड फाइव फोर्टी में कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था तो इसलिए सीट को सेकंड राउंड में हम लोग जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया सिंगल गर्ल चाइल्ड 543 मार्क्स पे मिला और ईडी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट राउंड 512 और सेकंड राउंड 497 पर मिल गया था तो हम लोग सेकंड राउंड के हिसाब से ही अगर मान ले तो जनरल कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो और हिमाचल प्रदेश स्टेट कोटा से बात करें तो हम लोग फाइव फोर्टी नाइन मार्क्स चाहिए एससी कैटेगरी फोर नाइनटी फाइव एस टी फोर एटी टू ओबीसी फाइव फोर्टी थ्री सिंगल गर्ल चाइल्ड फाइव फोर्टी थ्री और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फोर नाइन्टी सेवन मार्क्स पर आपको यह कॉलेज मिल गया था ठीक है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नंबर टू पर जो मेडिकल कॉलेज है काफी फेमस मेडिकल कॉलेज है दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज सेकेंड नंबर पे जो कॉलेज है बेटा ये काफी खूबसूरत जगह है ये आप देख भी रहे होगे कहा कितना मस्त ये देख रहे हो ये कॉलेज ऐसे बीचों बीच है चारों तरफ आप देखो हरियाली ही हरियाली तो दिस इज योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और ये जो सिचुएटेड है पहले मैं स्टैब्लिश की बात कर लू तो ये स्टैब्लिश हुआ था नाइनटीन में कब स्टैब्लिश हुआ था 1996 में और अगर मैं बात करूं कि सिचुएटेड कहाँ है बच्चे तो ये टांडा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। कहा है है टांडा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, में सिलेक्शन होगा उसमें seats, फिर उसके बाद भी अगर सीट्स बचती है तो फिर सेकंड राउंड में ट्रांसफर किया जाता है सेकंड में इस मार्क्स तक एडमिशन होगा ये है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड उसके बाद भी अगर बचता है तो फिर मॉपअप जाते हैं पर जनरली फर्स्ट और सेकेंड राउंड में हो जाता है एडमिशन ठीक है जी सीट जो है बेटा कांगड़ा मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो सीट जो है दैट इज 120 कितने कितनी हैं 120 और फी की बात करें तो इट इज 3.3 लाख अगेन लगभग सभी कॉलेजेस का आप देख रहे हो हिमाचल प्रदेश में लगभग जो फी है वो लगभग सेम है फी जो है वो लगभग क्या है बेटा सेम है एंड इट इज थ्री पॉइंट लाख फी स्ट्रक्चर है ऑल इंडिया कोटा से बात करो देखो ऑब्वियस बात है इसके नंबर ज्यादा जाने वाले हैं क्योंकि सेकंड नंबर पे इसके बाद जो आने वाला है वो आपको पता ही है सिक्स हंड्रेड टेन इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी सौ दस नंबर चाहिए इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी आपको 519 चाहिए. और इफ टू बिलोंग टू एसटी कैटेगरी आपको 492 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी फाइव एससी कैटेगरी 519 एसटी कैटेगरी 492 492 मार्क्स चाहिए ठीक बात है तो अगर मैं स्टेट वाइज बात कर लू स्टेट कोटा की तो इफ यू बिलोंग टू जनरल मिला था बेटा 572 पे फर्स्ट राउंड में राउंड सेकंड राउंड 503 पर फर्स्ट राउंड में ओबीसी के लिए अगर बात करें तो फाइव पर यह कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में कोई सीट अवेलेबल नहीं था फिजिकली हैंडीकैप्ड टू हंड्रेड थर्टीन पर फर्स्ट राउंड में मिल गया था लेकिन सेकेंड राउंड में ये 297 पे मिला था सिंगल गर्ल चाइल्ड फाइव फोर्टी फाइव मार्क्स पर मिला था बेटा 555. हाँ जी हिमाचल का फी कम है एज कंपेयर टू पंजाब बिल्कुल इसमें कोई भी सीट अवेलेबल नहीं था सेकेंड राउंड तक इफ यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फाइव फोर्टी थ्री सॉरी फाइव थर्टी फोर पर फर्स्ट राउंड में मिला था और फाइव ट्वेंटी नाइन पर सेकेंड राउंड तो अगर बेटा आपको टांडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है देन इन दैट केस इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी नंबर चाहिए थ्री ओबीसी फाइव सिक्सटी टू फिजिकली हैंडी कैप्टू नाइनटी सेवन सिंगल गर्ल चाइल्ड 545 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 529 मार्क्स चाहिए नहीं दिस इज फॉर एंटायर वैष्णवी दिस इज फॉर एंटायर एमबीबीएस का कोर्स ये जो फी है दिस इज फॉर एंटायर एमबीबीएस का कोर्स पूरे साल का फी है बच्चे ठीक है डेली पहले हो चुका है द क्रिएटो इज आस्किंग नेक्स्ट बेटा डेली पहले ही मैंने कवर कर चुका है मेरा पहला वीडियो ही डेली पर था अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो के उसमें जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप वहां जाकर के हम लोगों ने कौन कौन सा कवर कर लिया है मिश्रा जी आ गए हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा हम लोगों ने कवर कर लिया बेटा सबसे पहले हमने दिल्ली शुरू किया था देन हम लोगों ने बिहार भी कवर कर लिया है यूपी के भी कॉलेजेस कवर कर लिया है एंड उसके बाद हम लोगों ने हरियाणा कवर किया देन पंजाब कवर किया और आज हम लोग हिमाचल प्रदेश कवर कर रहे हैं और ये भी ऑलमोस्ट हम लोग अब फिनिश करने वाले हैं एंड नंबर वन पे जो कॉलेज है बताओ कोई बता सकता है एनी 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 वन ईयर नंबर वन पे जो कॉलेज है कोई बता सकता है नंबर वन पे एनी गेसेस माय डियर स्टूडेंट एनी गेसेस सत्यप्रकाश मिश्रा प्रकाश के उड़ीसा लोडिंग हाँ यस क्या बात है निति, नि, नितिका नेगी आईजीएमसी वैष्णवी शर्मा आईजीएमसी जी वॉइड आईजीएमसी बिल्कुल आईजीएमसी शिमला गौरव पाटियाल आईजीएमसी नवृति आईजीएमसी निशा आईजीएमसी बहुत बढ़िया बेटा स्वाति आईजीएमसी जयेश Yes, yes, शिमला है. देख रहे हो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला. शिमला ये सिचुएटेड है बच्चे में. देख रहे हो आईजीएमसी मतलब इधर हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग पढ़ते हैं उनके हमेशा से चॉइसेस रहती है कि या है तो आईजीएमसी मिल जाए या तो टांडा में जो मेडिकल कॉलेज है वो मिल जाए है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा मिल जाए या फिर शिमला में ये मिल जाए है कि नहीं तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त मेडिकल कॉलेज है पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैब्लिश कब हुआ था काफ़ी पुराना काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है एज कंपेयर टू अदर मेडिकल कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश और ये स्टैब्लिश हुआ था बेटा 1966 में कब स्टैब्लिश हुआ था 1966 में है कहाँ पर शिमला हिमाचल प्रदेश शिमला में लोकेटेड है काफी आपको भी पता है शिमला सबने सुना होगा काफी जबरदस्त जगह है घूमने के लिए है ना और पढ़ने के लिए भी आईजीएम से शिमला सीट्स की बात करें नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स तो इट इज वन ट्वेंटी ही है और फी की बात करें तो अगेन द फी स्ट्रक्चर इज 3.3 पॉइंट थ्री लैख फॉर एंटायर एमबीबीएस का कोर्स पूरे एमबीबीएस के कोर्स का जो फी है दैट इज 3.30 पॉइंट थ्री अब बात करते हैं देखो जरा कट ऑफ देखना आसमान छूम रहा होगा ऑल इंडिया कोटा से अगर मैं इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करें इस कॉलेज में जाने के लिए मार्क्स की बात करें तो बेटा जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 630 नंबर चाहिए बात है वहां का बेस्ट कॉलेज है तो 630 मार्क्स पर बेटा ऑल इंडिया से आपको यहां एडमिशन मिलेगा इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी ऑल इंडिया से आपको 546 स्कोर करना पड़ेगा एंड इफ यू बिलोंग टू एसटी कैटेगरी आपको 523 स्कोर करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में यस दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज बच्चा जनरल कैटेगरी में सिक्स मार्क्स एस कैटेगरी फाइव मार्क्स और एस कैटेगरी फाइव मार्क्स चाहिए ऑल इंडिया कोटा से हाँ स्टेट कोटा से अगर बात करें तो कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है और सेकेंड राउंड में फाइव एटी फोर पर मिला था मॉपअप में कोई सीट अवेलेबल नहीं था एस कैटेगरी में बात करें तो फर्स्ट राउंड में यह कॉलेज मिला था फाइव पर सेकेंड राउंड में फाइव पर मिल गया था एंड मोपअप में गया था और ये कॉलेज मिला था 457 पर भी एस कैटेगरी में बाकी किसी भी कैटेगरी में मोपअप में, में कोई सीट अवेलेबल नहीं था मोपअप में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं था एसटी कैटेगरी की बात करें 524 पर ये कॉलेज मिला था और सेकेंड राउंड में 512 पर ये कॉलेज मिला था बाकी किसी में भी फिर से सेकेंड तो राउंड तक ये नहीं गया था ओबीसी फाइव पे क्लोज हो गया था फिजिकली हैंडीकैप्ड वन सेवेंटी एट मार्क्स पे क्लोज हो गया था सिंगल गर्ल चाइल्ड फाइव सिक्सटी नाइन मार्क्स पे कॉलेज मिल गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो फाइव फोर्टी फोर पे फर्स्ट राउंड और फाइव हंड्रेड एटीन पर आपको सेकेंड राउंड में ये मिला था तो अगर आप आईजीएमसी शिमला जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको फर्स्ट अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में 584 मार्क्स लाना पड़ेगा एस कैटेगरी में 519 एसटी कैटेगरी में 512 ओबीसी 577 पीडब्ल्यूडी 178 सिंगल गर्ल चाइल्ड 569 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 518 समझ रहे हो तो आपको इतने नंबर चाहिए ही चाहिए होंगे तो आई होप आपको हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी बोलो यस और नो हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देख लिया होगा सुन लिया होगा आपने मार्क कर लिया होगा आप जिस कॉलेज में भी जाना चाहते हैं आप वहां के कॉलेज का आपको क्या करना है वो कॉलेज लिखना है उसका मार्क्स लिखना है आपने ये चीज़ तो नोटिस कर लिया होगा कि भैया नंबर आपको 600 के आसपास तो चाहिए ही चाहिए नंबर आपको 600 के आसपास तो चाहिए ही चाहिए और आई होप आप सब लोग उसकी मेहनत कर रहे होगे एंड आई होप आप सब लोग उस मार्क्स को लाने के लिए मेहनत कर रहे हो और उसी मेहनत के लिए उसी उसी मार्क्स को लाने के प्रोसेस के लिए बच्चे यहाँ पर भी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर भी आपके क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है वेदांतों के वे प्लेटफॉर्म पर भी क्रैश कोर्स चल रहा है और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है बहुत सारे बच्चे बताते भी हैं कि सर हमारी तैयारी पहले कहीं थी जिन लोग जो भी तीन तारीख वाले बैच में एडमिशन लिया है जिन लोगों ने उन लोगों से बात जब होती है तो उन्होंने कहा है कि पहले जो जहां पर हम थे वहां से अब अगर हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने इम्प्रूव किया है काफ़ी कुछ सीखा है उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट भी दिए और टेस्ट से भी उन्हें आइडिया लग रहा है कि काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट उनके अंदर हुआ है तो बच्चे कल से नया बैच शुरू होने वाला है फिर से एक नया बैच कल से शुरू होने वाला है तो बिल्कुल डीले नहीं करना है देर नहीं करना है अगर आपका बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कहते हैं ना मन है कि नहीं सर इसी साल अपन को सिलेक्शन लेना है इसी साल अपन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो बच्चे आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाओ और क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है आपको यहाँ पर हम लोग सब कुछ करा रहे हैं लेकिन फिर भी होता है ना कि इफ़ यू आर मतलब हमें दूरी ज़्यादा तय करनी है और समय बच्चे हमारे पास बहुत कम है तो इसके लिए हमें एक सही कोच सही गाइड की ज़रूरत होती है और वो बच्चे आपको यहाँ पर मिलने वाला है है ना जहां पे आपके पास देखो नेक्स्ट बैच पहले मैं बता देता हूं कब शुरू हो रहा है कल से शुरू हो रहा है बच्चा ट्वेंटी फोर्थ जैन ट्वेंटी ट्वेंटी टू को नया बैच शुरू हो रहा है और ये ख़त्म होगा अट्ठारह मार्च को यहां पे इलेवेंथ ट्वेल्थ फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कराया जा रहा है मतलब पूरे इलेवेंथ का सिलेबस कराया जाएगा पूरे ट्वेल्थ का सिलेबस कराया जाएगा साथ ही साथ टेस्ट होगा असाइनमेंट्स मिलेंगे नोट्स मिलेंगे इतनी मेहनत कराई जाएगी आपको ताकि आप जो आपका सपना है वो पूरा हो जाए बस आपसे बस एक ही चीज है कि आपको मेहनत करना है इफ यू आर रेडी टू डू द वर्क अगर हाँ ये तभी ज्वाइन करना बच्चे जब आप वर्क के लिए तैयार हो ऐसा नहीं कि आपने सात दिन क्लास कर ली उसके बाद फिर भूल गए कि कोई बात नहीं फिर अगले साल देख लेंगे इफ यू हैव दैट कमिटमेंट इफ यू हैव

यहां पर देखो जो लोग आपको चैनल पर पढ़ा रहे हैं चाहे सचिन सर हो गए चाहे मैं हो गया चाहे मीनाक्षी मैम हो गई चाहे अंबिका मैम हो गई वी ऑल विल बी देयर टू हेल्प यू आउट जो भी आपका टेस्ट होगा वो डिस्कशन हम लोग करेंगे और जो भी आपको आगे स्ट्रैटेजी बतानी होगी किस तरह से आपको पढ़ना है किस तरीके से आपको मेहनत करना है वो सब कुछ हम लोग मिल करके डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली सिलेक्शन होगा यार यार आप मेहनत करोगे हम मेहनत करेंगे क्यों नहीं होगा सिलेक्शन यार बोलो क्यों नहीं होगा दोनों टाइम होता है दविंदर सिंह दोनों टाइम होती है क्लासेस तो मैं यही कहता हूं कि आप तैयार हो जाओ तैयार रेडी हो जाओ तैयारी के लिए मैं तैयार हूं इधर से रेडी हो जाऊं तैयारी के लिए तो दोनों मिलेंगे डेफिनेटली सिलेक्शन होगा यार एंड हम लोग हैं यहाँ पर मेहनत करने के लिए आपको बस हिम्मत करनी है आपको बस एक कदम आगे बढ़ना है हम लोग सारे लोग मिल कर के मेहनत करेंगे

तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्लियर वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन अगर आप मानते हो भैया को कि हाँ नहीं भैया है यहां पर और मैंने तो मैंने तो आपके लिए गिव अवे भी किया था जिसमें आप सत्यप्रकाश मिश्रा जी ज्वाइन भी करेंगे अब कल या परसों से क्लासेस शुरू कर लेंगे वो तो मैं ही, मैं हूं, मैं मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं लेकिन बच्चे आपको मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो अगर ये कोड यूज करोगे यूपीएनसीसी तो यूल गेट Uh, आप नाउ पे जाओ यहां पे अपना नाम और ईमेल भरो और ओटीपी आएगा सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है तो सब लोग तैयार का डर है ऑल आर रेडी टू डू हार्ड वर्क बिल्कुल और, और आपको यह बात जानकर के खुशी होगी कि मेहनत करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है समझ रहे हो मेरी बात को तो थैंक यू एवरी प्लीज टेल मी स्कॉलरशिप नहीं होती है होती है होती है चलिए आइए आप बढ़ते हैं जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं अब मतलब विदा लेते हैं आपसे इसी नोट के साथ कि हम लोग मिलकर के मेहनत करेंगे और जरूर इस साल मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ठीक है जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना बस आप देने को तैयार हो जाओ उतना हमारे तरफ से भी आप लेने के लिए तैयार हो जाओ मैं हमेशा यहां पर खड़ा मिलूंगा आपको चाहे जो भी सिचुएशन होगा ठीक है तो चलो एवरीवन मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में एंड 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 वन इम्पॉर्टेंट नोट कह लो आप इंपॉर्टेंट सरप्राइज है आपके लिए मीनाक्षी मैम चंडीगढ़ आई हुई हैं आप सब लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सरप्राइज है इंपॉर्टेंट सरप्राइज़ कह लो मज़ा मजा आने वाला है तो हमने मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम चंडीगढ़ आए हो तो प्लीज़ यहाँ आ जाओ स्टूडियो में हम लोग मिल करके एक सेशन करेंगे तो कल हम लोग दोपहर में एक बजे मिलेंगे जहां पर मैं मीनाक्षी मैम और अंबिका मैम साथ आने वाले हैं एक साथ फ्रॉम वन स्टूडियो और आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं तो हम लोग बहुत सारी सेशन तो करते हैं पढ़ने लिखने वाला कुछ मजेदार भी सेशन भी करेंगे कल बहुत मजे आने वाले हैं तो आप लोग सब लोग पहुंचना और मैम से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है बच्चे हाँ जी बिल्कुल हम लोग तमिलनाडु पे भी वीडियो करेंगे बेटा अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ करेंगे हम लोग ठीक है आचल्य सिंह के हमेशा सेशन के बाद आती हूँ चलिए गेमर हेलो सर मंथन बैच से हेलो बच्चे हेलो गलत टाइमिंग चलिए फिर तो बाय बाय एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए सी ऑल इन द नेक्स्ट लाइव सेशन तब तक के लिए बाय बाय टाडा गुड नाइट